हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, अपने जियोग्राफी में चैप्टर 5 मिनरल्स एंड रॉक्स चल रहा है, उसका आज अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रॉक्स। इससे पहले अपने जो मिनरल के बारे में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मिनरल के बारे में पढ़ा है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी है, करैक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल या उनका क्लासिफिकेशन किया है, तो अपने जैसे चैप्टर का नाम मिनरल्स ये हो चुके हैं, रॉक्स आज अपने करेंगे इसमें, ठीक है। तो जो रॉक्स है इससे अर्थ क्रस्ट बना हुआ है, ठीक है। रॉक्स होती क्या है, रॉक्स की डेफिनेशन क्या है, उसकी अपने बात करें तो रॉक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ वन और मोर मिनरल्स। तो इसको अपने रॉक्स कह सकते हैं कि जो रॉक होती है वो एग्रीगेट्स समूह होती है जिसमें एक मिनरल भी हो सकता है और जनरली एक से ज्यादा मिनरल उसमें मिलते हैं, ठीक है। रॉक्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अपने बात करें तो जो रॉक्स है वो हार्ड भी होती है, रॉक्स सॉफ्ट भी होती है, और डिफरेंट टाइप्स के कलर में भी अपने को रॉक्स मिलती है। जैसे आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं कि हार्ड रॉक्स मे बी हार्ड और सॉफ्ट एंड वेरीड इन कलर्स, ठीक है। हार्ड रॉक का एग्जाम्पल अपने बात करें तो इसमें आ जाएगा ग्रेनाइट, सॉफ्ट में आ जाएगा सॉफ्ट स्टोन, और कलर की अपने बात करें तो दो एग्जाम्पल बता रखे हैं, ब्लैक में आएगी गैब्रो और मिल्की वाइट, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है क्वार्ट्जाइट का, ठीक है। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो रॉक्स के यहां आपको बता रखे हैं। रॉक्स में जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट होता है या मिनरल कंस्टिट्यूट का जो कॉम्पोजिशन होता है वो डेफिनेट नहीं होता, मतलब वो अलग अलग रॉक्स में अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको कंस्टिट्यूएंट मिल सकता है मिनरल का, ठीक है। और मेनली जो रॉक्स हैं उसमें फेल्सपार और क्वार्ट्ज ज्यादातर इनकी अक्रेंस ज्यादा रहती है, फेल्सपार और क्वार्ट्ज ये दोनों मिनरल ज्यादा रॉक्स में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करने से पहले उन्होंने एक टॉपिक और बता रखा है इसमें, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, पेट्रोलॉजी और पेट्रोलॉजिस्ट के बारे में बता रखा है। पेट्रोलॉजी क्या होती है, पेट्रो का मतलब होता है रॉक और लॉजी का मतलब होती है स्टडी या साइंस कह दें, तो साइंस ऑफ रॉक्स या स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है, पेट्रोलॉजी में की जाती है। एक जो पेट्रोलॉजिस्ट होता है, जो ये स्टडी करता है, तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट की स्टडी करता है रॉक्स में, उसकी अपने बात करें तो वो मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, उसके बाद में उनका ओरिजिन रॉक्स का, उनका अकरेंस, ठीक है, ओरिजिन अकरेंस, और इसके बाद अपने जैसे पेट्रोलॉजिस्ट है रॉक्स के बारे में उसकी मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है,
उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका ओरिजिन कैसा है, कैसे हुआ है, अक्रेंस कहाँ कहाँ पे मिलती है उसकी, उसके अल्ट्रेशन के बारे में और रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स। तो ये पेट्रोलॉजिस्ट का काम होता है। अब इसके बाद अपने बात करें तो जो रॉक्स है रॉक्स का और लैंडफॉर्म का, रॉक्स का एंड सॉइल का आपस में इंटररिलेशन होता है, आपस में संबंध होता है, और इसी वजह से जो एक जियोग्राफर है उसका भी, उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रॉक के बारे में इंफॉर्मेशन रखे, रॉक के बारे में उसके पास जानकारी होनी चाहिए कि रॉक किस कैसी है, क्योंकि अपने बात करें तो अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म बनेगा जिस टाइप की रॉक होगी। मान लो जो प्लेट्यू रीजन होता है वहां पे आपको मेनली जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलती है, ठीक है, और बहुत सारे जो माउंटेन है जैसे हिमालयन माउंटेन है वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है, प्लेन रीजन है वहां पे भी सेडिमेंट्री ही मिलेगी आपको, ठीक है। और इसी टाइप से रॉक का इफेक्ट सॉइल का, जो रॉक इग्नियस से बनेगी सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक से बनेगी उनके अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होंगे। तो इसी वजह से ये एक जियोग्राफर के जो अपने कह दें कि कंसर्न का एक सब्जेक्ट बनता है रॉक्स के बारे में। अब रॉक्स को अपने उसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने रॉक्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट इग्नियस रॉक्स, ये कैसे बनती है, सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती है, कोई भी इग्नियस रॉक है या आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसका डेनुडेशन होता है, जो डेनुडेशन से जो अपने मटेरियल आता है, पार्टिकल आते हैं, उनका लिथिफिकेशन जब होता है, सेटलिंग होती है, कंपैक्शन होता है, तो इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद में थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स ये होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट में आपको बता दिया, अब अपने डिटेल से करते हैं रॉक्स के बारे में। तो फर्स्ट रॉक है आपकी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में अपने सबसे पहले बात करें कि जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस वर्ड बना है वो एक लैटिन वर्ड इग्निस, जिसका मीनिंग होता है फायर, ठीक है। अब जो इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है, वो फॉर्मेशन होती है जो अर्थ के मेंटल से या मैग्मा चैम्बर से जो मैग्मा और लावा बाहर आता है, या क्रस्ट के अंदर ही, अर्थ के अंदर ही वो जम जाता है, सोलिडिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अपने कह सकते हैं सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा, ये इन द अर्थ, ये ऑन द सरफेस। ये डिफरेंस आपको ध्यान होना चाहिए कि जब जो मोल्टन मटेरियल है वो अर्थ के अंदर होता है तो उसे अपने मैग्मा कहते हैं, सरफेस पे आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा,
कि या तो वो अर्थ के अंदर ही जम जाएगी, सोलिडिफिकेशन हो जाएगा, या सरफेस के ऊपर बाहर आकर जो मैग्मेटिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, या जो मोल्टन के मटेरियल का इरप्शन होता है, तो उसके सोलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक बनती है। इग्नियस या फायर वर्ड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें गर्म हॉट जो मोल्टन मटेरियल है, या जिसे अपने मैग्मा या लावा कह देते हैं, उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। और एक चीज इसके लिए और, क्योंकि सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन होती है जो अर्थ मटेरियल या मोल्टन मटेरियल निकलता है, तो इसे अपने प्राइमरी रॉक्स भी कह देते हैं। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स कह देते हैं। इसी रॉक से सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स बाद में बनती है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू। तो ये इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है, सिंपली सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा, या सोलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मटेरियल विच कम्स आउट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये वर्ड भी अपने इसके लिए लाइन यूज कर सकते हैं। तो ये इग्नियस रॉक के बारे में हो गया। अब जो इग्नियस रॉक है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन अपने, इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन की अपने बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर, टेक्सचर के ऊपर बेस्ड अपने इसका क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग टाइप का। तो टेक्सचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो इसके अंदर पार्टिकल साइज पाए जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर, और डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल कंडीशंस या अदर फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें होता क्या है, जो टेक्सचर या इसके पार्टिकल का साइज है वो डिपेंड करता है कि मैग्मा के कूल डाउन होने की रेट पे, दर पे, कि मैग्मा या लावा कितने टाइम में, कितना टाइम ले रहा है ठंडा होने में, ठीक है, और कहाँ पे ठंडा हो रहा है, उसकी पोजीशन या लोकेशन कहाँ है। अगर मैग्मा अपने कह दे इन द अर्थ है, अर्थ के अंदर है, और स्लोली कूल डाउन हो रहा है, तो पार्टिकल जो साइज है वो लार्ज मिलेगा, बड़ा मिलेगा। इसके कणों का जो आकार है, क्रिस्टलाइजेशन जो होगा, क्रिस्टल का आकार है, पार्टिकल का जो साइज है, आकार है, वो बड़ा मिलेगा। और अगर ऑन द सरफेस है, कूल डाउन हो रहा है, तो वो सडल कूलिंग की वजह से जो पार्टिकल साइज है वो स्मॉल होगा और पार्टिकल स्मूथ होंगे, ठीक है। और अगर इंटरमीडिएट लेवल पे होता है ना, ना डेप्थ में अर्थ के अंदर ना बाहर, मतलब बीच वाले पार्ट में हो जाता है, तो उसके जो पार्टिकल का साइज है वो भी इंटरमीडिएट ही आपने को मिलता है। ये डिपेंड करता है उसकी कूलिंग प्रोसेस पे, किस जगह पे, या उसमें कूलिंग में कितना टाइम टेकन हो रहा है। जल्दी ठंडा हो रहा है तो छोटे छोटे कण बनेंगे, स्मूथ बनेंगे, और टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसके कण बड़े मिलेंगे। अब इन द अर्थ में स्लोली कूल डाउन की कंडीशन कहाँ होती है, जैसे आप लास्ट लेसन में करके गए हो, जो इंट्रूसिव फॉर्म्स अपने पड़ी हुई है, बैथोलिथ है, लैकोलिथ है, लैपोलिथ है, वो क्या है, अर्थ के अंदर ही है ना, जो अर्थ के अंदर ही जिस जगह से उसका ओरिजिन होता है, उसके बाहर आने का मतलब रास्ता ना मिले, जो मैग्मा होता है, तो वो वहीं पे सॉलिडिफिकेशन उसका हो जाता है, और वहां पे जो सॉलिडिफिकेशन है या कूल डाउन है वो बहुत स्लोली होता है, धीरे धीरे होता है, और जो पार्टिकल साइज है वो कणों का आकार है वो काफी बड़ा होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपकी इग्नियस रॉक होगी। अब इसमें इग्नियस रॉक के कुछ एग्जाम्पल भी यहां दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा आपका गैब्रो टफ वॉल्केनिक, ब्रेसिया ग्रेनाइट, ठीक है, ये कुछ इसके बेसाल्ट, ये कुछ इसके एग्जांपल आ जाएंगे जो आपकी इग्नियस रॉक है। इसके बाद नेक्स्ट अपने करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स।
सेडिमेंट्री रॉक्स में जो सेडिमेंट्री वर्ड है वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मीनिंग होता है सेटलिंग, व्यवस्थित इकट्ठा हो जाना। मतलब यहाँ पे अपने जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनका इकट्ठा होने से रिलेटेड अपने टर्म यूज करेंगे कि व्यवस्थित हो जाना, इकट्ठा हो जाना, जो सिंपल सेटलिंग का वर्ड है। अब जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती है, ठीक है, वो इग्नियस रॉक से बनती है, मेटामॉर्फिक से भी बन सकती है। अब ये बनती कैसे है, इसकी प्रोसेस को अपने समझते हैं कि अर्थ पे जो डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स हैं वो डेनुडेशन प्रोसेस के लिए, जिसमें आपका वेदरिंग, इरोजन, अपक्षय और अपरदन शामिल होता है, या जिसे अपने ऐसे कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, मतलब जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में टूटती रहती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसमें प्रोसेस में, रॉक्स ओपन अप फॉर डेन्यूडेशन प्रोसेस, कौन कौन सी, वेदरिंग कह सकते हैं अपने इसमें मेनली, ठीक है, इरोजन कह लो, सबसे पहले ये होता है वेदरिंग इरोजन की वजह से, या डेनोडेशन प्रोसेस के लिए ओपन अप होती है जो रॉक्स होती है। फिर क्या होता है इसमें, डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स एंड इट ब्रोकन इंटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट बाय वेरियस एक्सोजेनिक एजेंट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनको, और देन ये क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं जाकर यहां पे वेरियस एक्सोजेनिक एजेंट्स, जिसमें विंड हो सकती है, वाटर हो सकता है, ग्लेशियर हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के एक्सोजेनिक एजेंट्स हो सकते हैं उसमें, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और यहां कहीं भी लो लैंड होता है वहां पे जाकर इसका क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। डिपोजिशन होने के बाद एक प्रोसेस होती है लिथिफिकेशन, ठीक है, लिथिफिकेशन में क्या होता है, कंपैक्शन ऑफ डिपोजिट मटेरियल, इस प्रोसेस को अपने क्या कह देते हैं, लिथिफिकेशन या शिलीभवन, कि जो भी डिपोजिट मटेरियल है जमा हो रहा है आके एक्सोजेनिक एजेंट्स के द्वारा, ठीक है, जैसे मान लो ये एक लेयर आ गई, इसके ऊपर एक लेयर आ गई, ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो कंपैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ओवरलेइंग लेयर है, मतलब ये जो लेयर है, ओवरलेइंग लेयर के प्रेशर की वजह से इनके बीच का जो स्पेस होता है, एटम के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, फिल होता जाता है प्लेस, और कंपैक्ट हो जाती है, बिल्कुल पास पास हो जाती है, सॉलिड हो जाती है, और उससे रॉक की फॉर्मेशन हो जाती है। एक इनका सेडिमेंटरी रॉक्स का स्पेसिफिक करैक्टर्स ये भी होता है कि चाहे लिथिफिकेशन प्रोसेस के बाद भी जो मतलब ट्रांसपोर्टर मटेरियल आया है, फ्रेगमेंट्स आए हैं, वो अपने एग्जिस्टिंग करैक्टर भी रखते हैं, मतलब जैसे वो थे, अलग कलर के थे या अलग पार्टिकल साइज था उनका, अलग केमिकल कंपोजिशन था, तो लिथिफिकेशन के बाद भी वो अपने वो करैक्टर हैं जो रिटेन रखते हैं। इस वजह से क्या होता है कि इसमें लिथिफिकेशन के बाद डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स बन जाती है, जिसमें अपने अलग अलग टाइप के जो रॉक मटेरियल हैं आए हुए हैं ट्रांसपोर्ट होके, और यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं और कंपैक्शन होता है, तो अपने को अलग अलग लेयर देखने को भी मिलती है। इसमें करैक्टरिस्टिक्स जैसे अपने पहले करके गए तो उसमें अपने क्रिस्टल की बात की थी, इग्नियस रॉक का स्पेसिफिक करैक्टर होता है कि उसमें क्रिस्टल बनते हैं, लेयर नहीं होती, और सेडिमेंटरी रॉक का स्पेसिफिक करैक्टर क्या है कि इसमें क्रिस्टल नहीं होते, इसमें लेयर्स बनती हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो ये सेडिमेंटरी रॉक्स हो गए।
अब सेडिमेंटरी रॉक्स के कुछ एग्जांपल अपने कर ले, तो उनकी मोड ऑफ फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसके तीन टाइप की एग्जांपल बताए हुए हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे थ्री टाइप्स की होती है सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, इसमें एक तो आ गई सबसे पहले मैकेनिकली फॉर्म्ड, जो मैकेनिकली प्रोसेस से बनती हैं वो रॉक्स कौन कौन सी हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें आएंगी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लॉयस, कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में इसमें आ जाएगी आपकी गैसेराइट, लाइमस्टोन, चौक और कोल। और केमिकली फॉर्म्ड में इसमें एक आ जाएगा आपका चर्ट, लाइमस्टोन, पोटाश एंड हेलाइट। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। तो ये आज अपने इतना ही करेंगे, जिसमें अपने रॉक्स के दो टाइप्स कर लिए, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो सॉरी इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और रॉक साइकिल जो इसके बाद का टॉपिक है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहां तक आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।